आधा घंटा पहले पिज्जा का ऑर्डर दिया था मैंने तुमको है, अब अगर तुम देर से आए ना तो मैं पिज्जा भी रख लूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी तुमको। हाँ अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बिल्कुल ठीक तो लग रही है, एकदम सेहतमंद। सही बात है भाई, सही बात है। मैं तो अगर मर भी गई ना और मेरी लाश पड़ी होगी ना तो मानों ने यही कहना है, बिल्कुल ठीक लग रही है, सेहतमंद। अगर आप चाहें तो मैं आपको वजन कम करने के टोटके दे सकती हूँ। ज्यादा ना मुझे मोटापे का और उम्र का ताना मत दो। अच्छा अभी मेरी उम्र ही क्या है? और ये तुम जैसे लोग जो बड़े लिबरल बने फिरते हैं, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए ये कहते फिरते हैं, जरा फेसबुक और इंस्टा की पोस्टों के अलावा घर में भी अप्लाई कर लिया करो अपने जुमले। आई बड़ी मुझे मोटा कहने वाली। मेरी जैसी लड़कियां तो खूबसूरती की मिसाल है, तुम जैसी छुपकलियों के ऊपर ना कपड़ा जचता है ना लत्ता जचता है। आई बड़ी साइज जीरो। इस उम्र में तो वैसे मेरा काम नहीं करता और तुम पूरे का पूरा पिज्जा ही खा गई और वो भी अकेले। तुम सबकी नजरें हैं जो उस पिज्जा पर लगी हुई थी, जो उस पिज्जा को मेरे पेट में चैन से बैठने नहीं दे रही। ओह, और तुम्हें तो मैं ऐसे जवाब दूं राशिदा कि तुम याद को याद करो, बस इस वक्त जरा पेट की वजह से परेशान हूँ। देखो जरा इनके रोमांस नहीं खत्म होने घर में कितनी टेंशन फैली हुई है, अभी मैं फैलाती हूँ वहाँ पे जाके टेंशन। आजा। वाह 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 भाई, आप लोगों का जो नाम है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए छिछोरेपन पे। वो मेरा ख्याल है बाहर कोई आया, मैं एक मिनट आया देख। बाहर कोई आया तो उधर कहाँ जा रहे हैं, बाहर जाए ना। मैं भी किचन देख लूँ सर। इधर इधर कहाँ भाग रही है? छोड़ो मुझे। बाबरा शरीफ बनी हुई थी शबनम, बड़ी ही कर रही थी, इतरा रही थी छिछोरी कहीं की। क्या हमारी मोहब्बत देकर जल जल कर राख हो रही हो तुम? अरे भाई राशिदा जरा जबान संभालो, क्या कह रही हो मेरी बहन को? है इतने बड़े बोल मत बोलो, अल्लाह को बुरे लग जाएंगे, गुरूर का सर ना हमेशा नीचे होता है। हाँ ओहो बड़ी आई, अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाली कुंवारी बुड्ढी। अरे अरे जा कर, ये पूरी बात सुन के जा मेरी। हुसन आरब दफा करो, इसकी तो आदत है बकवास करने की। बड़ी आई मुझे बुड्ढी कहने वाली? अरे कोई 10-20 साल बड़ी होगी ये मुझसे। हाँ अरे कोई बुड्ढी बुड्ढी नहीं हो तुम, तुम्हें भी तो पता है। अब मुझे पता है, तुम क्या मुझे यकीन दिला रही हो? ये जो कलर वलर करती हूँ वो तो मैं बस ऐसी कलर चेंज करने के लिए करती हूँ, वरना ये बाल तो नजले की वजह से सफेद हुए मेरे। हाँ पता है मुझे। बड़े बड़े सांप डसेंगे जहन्नुम में, इसकी जबान को ना लगाम नहीं है, शिकायतें करती फिरती है ये मेरी। अरे मैंने अम्मा भी से बात की है, वो अम्मा भी के कहने पे तो सब कुछ करती है, वही सिखाती पढ़ाती है इसे। अजीम अजीम कहाँ है सब, कहाँ है सब? लगता है आ रहा कि आप अपनी शादी का ख्वाब दोबारा देख रही थी। एक बात पूछूं, रुखसती हो गई थी या अभी बाकी थी? मुझे लगता है हमने निकाह से पहले ही उठा दिया ने। दबो यहाँ से तुम लोग, हमेशा मेरी रुखसती से पहले उठा देते हैं। मैं अपना ख्वाब पूरा करके दम लूंगी। हाँ वाह भाई वाह, सही धूल झोंक रहे तुम लोग घर वालों की नजर में। अरे क्या क्या सुना आपने? अलिफ से ये तक सारी कहानी सुनी है मैंने तुम लोगों की रुदात। हमारे खानदान में लड़कियां मंगेतरों के साथ घूमती नहीं है शादी से पहले, और ना ही रात के पिछले पहर छतों पे मुलाकातें करती हैं। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से और इन कानों से सुना है। ये हाशिम से कह रही थी कि शादी जल्दी कर लो, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। आपको और ये भी कह रही थी कि मेरी सारी सहेलियों के तो बच्चे भी हो गए, तुम ताया और ताई से बात करो। वाह भाई वाह, बड़ी भी तो बड़ी भी, छोटी भी, सुभान अल्लाह। अब आएगा मजा, बड़ी हवाओं में उड़ती फिर रही थी दोनों बहनें हैं, एक मोटरसाइकिल पर सैरे करती फिर रही है। दुनिया भर की खालाएं अपनी भांजियों पर जान छिड़कती है और एक आप है। मैं जान छिड़कने से ज्यादा ना पेट्रोल छिड़कने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।